बार ट्रेन च सफर करते हुए बदतमीजियां सहन करनिया पैंदियां, पर नहीं प्लेयर आ हैंडल कर लईदा है, सोच लईदा कोई नहीं भी पेरेंट्स ने उम्मीद भेजा है, तो एक असी अज असी भी फेस नहीं कर सके तो फिर दूजियां ते साडियां च फर्क की रह जूगा। तो प्लेयर इसलिए सारे डरते हैं, पहले तो कोई कर दे, जो कोई हरकत करे तो बस फिर कट देईदा है। मेरे पापा दिहाड़ी जोता करते हैं कि हुण लॉकडाउन का करके घर होंगे हम मतलब कि दुकान लाते आंडे वगैरह की घर ही मतलब कि करते हैं, तो मम्मी दिहाड़ी जोता करते हैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस तो आके कि मम्मी ने घर भी काम कराई, बाहर जाके भी काम कराई, पोचा लाई कि किसी के दिहाड़ी जोत जा वड़ी दी। मतलब कोई किसी का मतलब पेरेंट्स रिक्शा चला, किसी का रेहड़ी ला, गोलगप्पे बेचता, दिहाड़ीदार है, बहुत गरीबी के घेरे हुए ने बच्चे। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। ये धरती जिथे असी मौजूद हाँ, यह शेरनिया उपजदी है, इत्थे उन्हां परिवारां दीआं धीआं प्रैक्टिस करके देश का नाँ चमकाउंदियां है, जो किरती ते कामे अपनी रोजी ते रोटी दे लई हर रोज़ मेहनत करते हैं। ये संघर्ष की कहानी है, ये सहनशीलता की कहानी है, ये सुहिरदता की कहानी है, ये उन्हां धीआं की कहानी है जो थोनू दसणगियां कि मैडल किंज लियाए जांदे है। आओ धूरकोट दे इस ग्राउंड दे विच पंजाब दीआं उन्हां शेरनियां धीआं दी गल करदे आं, थोनू दिखाउने आं कि नवजोत कौर वर्गियां कुड़ियां किंज पंजाब दा माण उच्चा कर रहीआं। यह धरती शेरनिया पैदा करती है, ये शेरनिया गरीबी चो निकल के देश के सर्वोच्च हिस्सों च जांदियां ते पंजाब दा नां चमकाउंदियां। ये शेरनिया मापियां नूं जदों लोड़ पैंदी है तां झोना भी लाउंदियां, अपने भरा दी आंडियां दी रेहड़ी ते साथ भी दिंदियां, अपनी मां दे नाल घरां च कम करन भी जांदियां, पर जदों देश नूं लोड़ पैंदी है तां मिट्टी दे नाल मिट्टी हुंदियां ते फिर पलवानी करके देश का नाँ रोशन करती हैं। ये शेरनिया धूरकोट रनसी की यह मिट्टी पैदा करती है, ये शेरनिया धूरकोट रनसी पिंड का यह ग्राउंड पैदा करता है, तो उन्हों का साथ दिता है यह कोच। सारिया ऐसी ऐसी बच्चे ने, बहुत गरीब घर के बच्चे आ, सुबह शाम आपकी सवेरों कम कर दी हैं, शाम सुबह शाम प्रैक्टिस बिचों कम तो कर दें, दिहाड़ीदार बच्चे आ। मतलब कोई किसी का मतलब पेरेंट्स रिक्शा चला, किसी का रेहड़ी ला, गोलगप्पे बेचता, दिहाड़ीदार है, बहुत गरीबी के घेरे हुए ने बच्चे। हाँ जी, सारे बच्चे ऐसी बच्चे सारे, एक जानर बच्चा जोड़ा थोड़ा ठीक है, बाकी सब गरीब बच्चे इतने। देखो जी, नवजोत मेरे को 5 बजे ग्राउंड च आ जाती है, लगभग सारिया बच्चिया जड़िया 5 बजे 5 बजे तो लैके 7:30 तक प्रैक्टिस डेली करी दी सवेर। तो और नवजोत कौर इन्हों के मेन आ जी एक्सरसाइज आप भी कराती है, मूहे लाके बहुत वधिया टैलेंट भी आ, पढ़ने च भी बहुत इंटैलीजेंट कुड़ी आ, पढ़ाई च भी बहुत वधिया। तो आओ तुहानू अज लै चलदे आ पिंड धूरकोट रनसी दी उस धरती दे उत्ते, जिथे संघर्ष की वह कहानी लिखी जाती है जो देश के वख-वख हिस्सों दे विच जाके पंजाब नू माण हासिल कराउंदी है। इस ग्राउंड दे विच 70 तो 75 कुड़ियां आउंदियां जो कोच साहब तो पलवानी सिखदियां, ज़्यादातर दलित भाईचारे दे नाल संबंध रखदियां। कोच साहब मुताबक इन्हां कुड़ियां दे आर्थिक हालात इन्ने माड़े ने कि झोने दे दिनां च इह झोना लाण जांदियां, अपनियां मावां दे नाल लोकां दे घरां च कम करदियां, किसी का प्यो गोलगप्पियां दी रेहड़ी लाउंदा, किसी का भरा आंडियां दी रेहड़ी लाउंदा, पर फिर भी जज्बा इन्ना है, जनून इन्ना है कि ये कुड़ियां अपनी प्रैक्टिस नहीं छड़दियां ते पलवानी दे ओ उच्चे म्यार हासिल कर रही हैं, जिस नाल देश ते सूबे दा माण उच्चा हो सके, ते मगदा होया सूरज कदे इन्हां दे घरां च भी चढ़ूगा। आओ तुहानू कमाल दी इह कहानी इन्हां धीआं दी अज दिखाउने आ, जो गरीबी नूं मात दे रहीआं ने, जो गुरबत नूं मात दे रहीआं ने, जो अपने मापिआं दे मोढे नाल मोढा ला के खड़ीआं ने।
इस ग्राउंड दे विच प्रैक्टिस करदी एक धी है नवजोत कौर, जिसके पिता खुदाब कबड्डी के खिडारी सीगे। एक हादसा होया, उन्हां दा कबड्डी जीवन समाप्त होया, पर दिल दे विच तांग सी कि अपना पुत्र जां धी कोई खेड खेडे ते उन्हां दा नां चमकावे। धी वड्डी सी तां नवजोत नूं उन्होंने इस पिछे चुनिया। बहुत सारे लोगों ने जिवें दंगल फिल्म दे विच तुसीं देखिया होना है कि लोग हैरान हुंदे सी कि कुड़ियां कुश्ती नहीं करिया करदियां, उस तरह छिंदर सिंह नूं भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुड़ियां कुश्ती नहीं करिया करदियां, पर किसी की नहीं सुनी और अपनी धी नूं इस खेड दे विच पाया। अज चर्चा हर पासे हुंदी है। मेरा नाम नवजोत कौर है, मैं पिंड धूड़कुटन सिंह तहसील निहाल सिंह वाला जिला मोगा की रहने वाली हाँ। तो मैं पिछले 8 सालों तो बाबा शेख फरीद कुश्ती अखाड़ा पिंड धूड़कुटन सिंह विखे सरदार हरभजन सिंह इंटरनेशनल कुश्ती खिडारी कोल प्रैक्टिस कर रही हाँ। तो मैं सुबह 5 तो लैके 7 बजे तक, तो शाम को 5 तो लैके 7:30 तक प्रैक्टिस होंगी है। डाइट बादाम पानी, सुबह प्रैक्टिस तो बाद बादाम पानी, आंडे, चिकन। मैं नॉन वैजीटेरियन हाँ, इसलिए मैं चिकन भी खा लेनी हाँ। मैं सुबह प्रैक्टिस तो बाद बादाम पानी, उस तो बाद 11 बजे आंडे, तो 1-2 बजे क्योंकि शाम को प्रैक्टिस से 4 बजे जाना होंगे, इसलिए 1-2 बजे रोटी खाना खा लेंदी हाँ। तो 4 बजे प्रैक्टिस तो जाने तो पहला थोड़े जे बादाम जां तां कोई ड्राई फ्रूट जां कोई फ्रूट खा लेंदी हाँ, जिस तरह पोस्ट प्री वर्कआउट के तौर पर। पोस्ट वर्कआउट बादाम पानी ही, तो रात को चिकन 1/2 किलो चिकन ज़्यादातर बस। मैनू न्यूडल बहुत पसंद आ, तो ज़्यादातर जो कॉम्पीटिशन तो पहला कई बार वेट सैट करना पैंता जां तलियां चीज़ा, इन्हां थोड़ा परहेज़ करी जांदा, तो कई बार हुंदा भी हाँ खा लीए पर फिर याद आउंदा नहीं भी इन्ने सालों तो मेहनत ला रहे हैं तो कोई नहीं थोड़ा टाइम होर फिर किसी दिन खा लेंगे, तो इसलिए इग्नोर कर दिंदे इन्हां चीज़ों। मेरा फेवरेट प्लेयर जोगेश्वर दत्ता, जो 2012 का ओलंपिक मैडलिस्ट आ, तो मैं उसके लड़न का तरीका, रैसलिंग लड़न का तरीका, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पसंद आते, मैं ज़्यादातर उसदी ही वीडियो देख ली हाँ। मैंने सब तो पहला मेरा सब जूनियर जो गुहाटी हुई सी 2016 में मैडल आया सी ब्रोंज, तो उस वेले मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई सी क्योंकि उस मैडल के नाल ही मैंने इंडिया लैवल इंडिया कैंप में जाने का मौका मिलना सी, क्योंकि जिते इन्ने वधिया वधिया इंटरनेशनल प्लेयर गीता फोगाट बबीता फोगाट प्रैक्टिस करते, उन्होंने प्रैक्टिस करने का मौका मिलना सी, इसलिए मैंने उस मैडल की बहुत ज़्यादा खुशी सी। कई बार जो मतलब कितने भी जाने जा कहीं सफ़र करते हैं जो बस से जाने तो कई लोग इदा कह दें नहीं नहीं अजक पंजाब के लोगों की तुम्हें पता ही है सारे का बाहर जाना रुझान, तो कह दें नहीं गेम करके तुम्हें की लैना सी, पढ़ो लिखो बाहर जाओ, गेम रहन दो, करूँ सट फेट वज गई बाद चो पूरी लाइफ बर्बाद हो जूगी, फिर उदो मन दुखी हों, फिर सोचते नहीं इन्हों थोड़ी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को दिखाने लिए कर रहे हैं भी कुड़ियाँ जरूर कुछ कर सकती हैं। पेरेंट्स वालों बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे दादा जी पहला आर्मी में सन, तो उन्हों की मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ क्योंकि उन्होंने मेरे पापा नूं मेरे चाचा जी ने बहुत गेम करवाई नाल जा के खड़ाते रहे, पर मेरे पापा के सट लग जाने कारण इन्हों गेम छड़नी पई, तो बाद चो मेरे दादा जी ने मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मतलब मैं हुंदा कई बार दुख मतलब फिर भी डैडी का एक बार फिर मतलब सट लगी सी, तो उस तो बाद अज तो 4 साल पहला फिर सट लग गई सी, तो उन्होंने फिर महसूस हों कि जिस चीज़ करके मैं गेम छड़ी सी फिर उस तो ही गुजरना पै रहा, तो उदो बहुत दुख हों, जे इन्हों ने गेम छड़ी ना होंगी तो अज इन्हों का भी नाम हों, फिर मैं सोच रहा मैं इन्हों का सुपना जरूर पूरा करूँगी। अजक तो रैसलिंग स्पीड द क्योंकि मैट पर मिट्टी के पैर जम जाते, पर मैट पर स्पीड चाहिए या फुटवर्क चाहिए, चाल चलनी चाहिए बस यही हाँ। मतलब एक चंगे प्लेयर 15-20 हज़ार तक की डाइट चाहिए क्योंकि कई सप्लीमेंट या मतलब चिकन आंडे इन्हें सारे चाहिए, पर कई बार नहीं भी मैनेज होंगे चलो एडजस्ट कर लेंगे, पर पेरेंट्स ने कदम मना नहीं किया, वो आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं, पर थोड़ा जहाँ आप सोच जाने कोई नहीं इस बार एडजस्ट कर लें बस अं चलिए, पर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ। मैं बी ए 3rd ईयर सुखानंद कॉलेज विखे करना चाहनी हाँ, तो मेरा एक ए स्टाफ एम आ कि मैं बी ए तो बाद IPS की तैयारी जरूर करा, IPS ऑफिसर। मेरा सारे पंजाब के वासियों सारे पूरे भारत पूरे वर्ल्ड के सारे यही आ भी कुड़ियां नू घरे ना रखो, उन्होंने बाहर कढ़ो, वो बहुत कुछ कर सकती गेम करते, क्योंकि 2016 में ओलंपिक नूं मैडल दवाने वाली ही लड़कियां ही सन, साक्षी मलिक ने रैसलिंग में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में मैडल जीता सी, जे उस टाइम आप लड़कियों बाहर ना करते तो इंडिया खाली ही मुड़ के आता, तो मेरी यही उम्मीद है कि कुड़ियों बाहर जरूर कढ़ो, उन्होंने गेम वाल लाओ, तो वो बहुत कुछ कर सकती। मैनू बहुत कहा भी तुसी कुड़ी नू किधरले पासे लाई जाने भी ये कुड़ियां वालियां गेमां नहीं, पर मैं हमेशा नवजोत नू कुड़ी नहीं समझिया, हमेशा लड़का समझ के
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਡਾਇਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਆਪ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰਣਸਿੰਘਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 10 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਵਾਰੀ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 4 ਵਾਰ ਬਰੋਂਜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਬਹਾ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ, ਪੋਚਾ ਲਾਈਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤ ਜਾ ਵੜੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 8 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੋਮ ਵਾਈਫ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬਰਬਰੀ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਾਊਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਊਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਰੰਗਲ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੀਪੈਚ ਬਾਊਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਸਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਲੜਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਨ। ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦਾ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਕੰਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ, ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਤੋਂ 75 ਐਸੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਮੈਡਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਧੂਰਕੋਟ।